चंदौली स्थित राम जानकी मंदिर पर विगत दिनों देवरिया जनपद के फतेहपुर निवासी सत्य प्रकाश दुबे व उनके परिजनों की हत्या कर दी गई। उनकी याद व आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देवरिया नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा नेता सरोमणी तिवारी ने कहा कि सर्व समाज ऐसे कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सभी सर्व समाज के लोग स्वर्गीय सत्य प्रकाश दुबे के परिजनों के साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दुबे परिवार को चंदौली का प्रतिनिधि मंडल हर तरह से आर्थिक व मानसिक रूप से मदद करने को तैयार है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। कार्यक्रम आज जनपद चंदौली में देवरिया में सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर जो नरसंहार हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में यह जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। उनके परिवार को हम लोग सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दिया। क्या है आगे की रणनीति? आगे की रणनीति यह है कि इस तरह की जो घटना हो रही है समाज में, पूरे जनपद में, प्रदेश में, पूरे देश में, हम लोग सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ख़ास तौर से जिस समुदाय के साथ ऐसा किया गया है वह वाकई में निरीह समुदाय था, पीड़ित समुदाय था। और 8 तारीख को जनपद चंदौली से, गाजीपुर से, बनारस से, प्रयागराज से लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है देवरिया के लिए सुबह 7 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उस परिवार का सहयोग भी करेंगे। अक्षय वाटिका में एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। जनपद के सभी हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके साथ हम लोग विचार विमर्श करके उस कार्यक्रम को हम लोग वहाँ तक पहुँचने का कार्यक्रम करेंगे। उसमें